बेटा जो हमारी वीडियो नंबर 1 थी, वीडियो नंबर 1 में हमने जाना था लेटिट्यूड्स के बारे में, वीडियो नंबर 2 में हमने जाना था लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और ये जो वीडियो नंबर 3rd है और इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। बेटा द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। ठीक है, यानी बेटा कहने का इसमें मतलब ये है, जो ये पूरा आपको दे रखी है लाइन, इसमें ये समझाया गया है कि जैसे ही कोई भी, जब हम अपने दादाजी से बात करते हैं, तो वो क्या है, वो शेडो देख के, क्योंकि जो सन है वो एक डायरेक्शन से राइज होता है और सेट जो होता है, यानी सनसेट जब होता है तो दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो वो शेडो देख के, परछाई देख के ये अनुमान लगाते थे पहले कि अभी टाइम कितना हुआ है। दोपहर है, दोपहर होगा, बिल्कुल दोपहर, मून बिल्कुल दोपहर है, तो इसका मतलब शेडो जो परछाई है वो छोटी होगी। यदि क्या नाम है, लंबी है, परछाई लंबी है, तो इसका मतलब जब शेडो लंबी होगी तो इसका मतलब या तो सनराइज है या सनसेट है, और सन की डायरेक्शन से पता लग जाता है कि सनराइज है या सेट है। ठीक है बच्चे, तो इसमें केवल ये बताया गया है जैसा कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं बेटा, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लास्ट वीडियो में भी बताया था बेटा, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है अर्थ की जो ये रोटेशन है, ये किस से किस डायरेक्शन से हमें है, ये वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे है ना, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हमने लास्ट वीडियो में ग्रीनविच के बारे में बात की थी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि बेटा जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो कहां से निकलती है, वो ग्रीन ग्रीनविच से निकलती है, तो जो उसके ईस्ट में है, ठीक है, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। यानी बेटा कह रहा है कि देखो ये है, आपको दिखाई दे रहा है, देखो जो बच्चे यहां पर देखो, ये जो डॉटेड वाली लाइन है, ये क्या है, ये है ग्रीनविच, और ग्रीनविच की जो चीजें ईस्ट में होंगी, ठीक है, जैसे ये सारी चीजें किस चीज में है, ये है ईस्ट में, दो चीजें ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी वो उससे आगे होंगी टाइम से। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी जानेंगे, पहले ये देखें जो चीजें किस चीज में है, ईस्ट में, ग्रीनविच के जो ईस्ट में होंगी वो आगे होंगी, और जो ग्रीनविच के वेस्ट में होंगी वो उस टाइम से पीछे होंगी। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब बेटा टाइम कैसे डिसाइड होता है, अब ये बताओ, और ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये चीजें ये अर्थ की रोटेशन के कारण, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इसलिए जो ईस्ट वाला भाग है वो आगे रहता है टाइम में, किसके मुकाबले, ग्रीनविच के मुकाबले। ठीक है, अब देखते हैं बेटा टाइम जोन कैसे डिसाइड होता है टाइम। अब बेटा देखो, अर्थ की जो रोटेशन होती है वो अर्थ अपने एक्सिस पे कितने घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, अराउंड 24 आवर, 24 आवर में कितने डिग्री का लगा देता है, 360 का, 1 घंटे में कितना लगाएगा, 360 बटे 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 15, यानी 1 घंटे में कितने का, 15 डिग्री का रोटेट करता है। 15 डिग्री जब वो रोटेट करता है, 15 डिग्री रोटेशन में कितना टाइम लगाता है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, 1 डिग्री रोटेशन में कितना लगाएगा, 16/15 यानी 4 मिनट्स। ठीक है, ऐसे लगाएगा, 1 डिग्री रोटेशन में कितना लगाएगा, 1 डिग्री रोटेशन में 4 मिनट, तो बेटा 1 डिग्री में 4 मिनट वो लगाता है। और बेटा ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ पे कितना था, हमने देखा था 360
डिग्री क्या था टोटल, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी थी, 360 थी, इसलिए 360 क्या था वो डिग्री में था, 180 ईस्ट 180 वेस्ट, और 180 ईस्ट वेस्ट एक दूसरे के ऊपर आती हैं, और एक 0 डिग्री थी जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो इस प्रकार 360 हो गई। तो 360 डिग्री रोटेशन लगाने में 24 आवर लगते थे और 8 डिग्री रोटेशन में 4 मिनट लगती हैं। अब बेटा जैसे ही मानो आप खड़े हो 15 डिग्री कहां पे, ईस्ट में, तो बेटा 15 डिग्री ईस्ट मान लो, मैं दोबारा बना लेता हूं, देखो बेटा ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और ये है मान लो यहां पर 15 डिग्री ईस्ट, यहां पर है 15 डिग्री वेस्ट। आपको ये समझ में आ गया, ईस्ट का समय आगे रहेगा। तो बेटा जब आप 15 डिग्री ईस्ट पहुंचोगे तो कितने समय प्राइम मेरिडियन से आगे पहुंचोगे, 1 डिग्री में कितनी मिनट लगती हैं, 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितनी लगेंगी, 15 गुना 4 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, यानी इस पे जब यहां पर 12 बजे होंगे तो यहां पर 1 बजा होगा दोपहर का, और जब यहां पर 12 होंगे वेस्ट 1 घंटा पीछे होगा, क्योंकि 15 डिग्री घूमने में, 15 डिग्री में कितने का वेरिएंट आ जाता है, 1 घंटे का, तो यहां पर 11 बजे होंगे। समझ में आ गया बेटा, अब आगे चलते हैं। अब बेटा बात करते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम्स, बेटा इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम है वो क्यों है। देखो इंडिया का जो आपका लॉन्गिट्यूड्स है वो बेटा लॉन्गिट्यूड्स इंडिया में लमसम, ये पॉइंटों में 68.25, तो हम एवरेज वैसे ले लेते हैं, 68 ईस्ट से लेकर, यानी ये पार्ट है 68 पर, और 97 ईस्ट तक है, ठीक है। अब बेटा ये तकरीबन कितने का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का है, ठीक है, और बेटा 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का, 30 डिग्री में कितने का आ जाएगा, 120 मिनट का, 120 मिनट बोले तो 2 आवर का डिफरेंस आ जाए, यानी तब यहां पर मान लो दोपहर के 12 बजे हैं, उस हिसाब से तो यहां पर कितने बजने चाहिए, 2 बजे से, ठीक है, दोपहर के जब यहाँ 12 बजेंगे तो यहां पर दोपहर के 2 बजेंगे, क्योंकि तो ईस्ट में समय आगे होता है। लेकिन बेटा हमने क्या किया, पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम रहे उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान ली, वो क्या थी, वो 82.85, यानी 82 से ही हाफ, ठीक है, डिग्री ईस्ट। ये हमने पूरे इंडिया की क्या मान ली, स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको मान लिया। अब बेटा क्वेश्चन एक और क्या आता है कि मान लो 2 बजे हैं दोपहर के, और लंदन में इंडिया और किस चीज का मैच होना है, क्रिकेट का मैच होना है, इंडिया और इंग्लैंड का, इंडिया और इंग्लैंड का मैच होना है, ठीक है, 2 बजे, तो वो इंडिया में कितने बजे शुरू होगा, और बेटा जो वो ग्रीनविच है वो इंग्लैंड में ही है, तो बेटा वहां पर कितना मांगना था हमने, 0 डिग्री था, क्योंकि प्राइम मेरिडियन वहां से जाती है। अब बेटा 82 यहां पर ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब बेटा इसको सोल्व करो एक बार, 5 ये आ गया बेटा, कितने डिग्री ईस्ट पे हैं हम जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब बेटा हमने देखा था कि 1 डिग्री मूव होने में 4 मिनट लगाते हैं, तो इतने में होने में कितना लगाएगा, 4 गुना 165/2, 2 दूनी 4, तो ये 5 दूनी 10, 16 32 31, यानी हम 330 मिनट आगे हैं, 330 मिनट का मतलब है हम 5.5 घंटे आगे हैं, यानी जब वहां पर 2 बजे कोई मैच स्टार्ट होगा तो उसका लाइव टेलीकास्ट हमारे यहाँ पर 7:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे, ये भी समझ में आ गया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी समझ में आ गया। अब देखते हैं द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 ईस्ट, यानी 82.30 ईस्ट इज ट्रीटेड एज द, बेटा ये 3 है, 30 क्यों लिया है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
तो बेटा हाफ 82 एंड हाफ था, तो 60 सेकंड का हाफ 30 होगा। इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरेडियन, ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरेडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। हमारे देश में इसी को ही स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। कितना? 82.82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट। पेपर में कई बार आएगा। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी को IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरेडियन। कितनी डिग्री है? 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट है। पता लग गया? आगे देखते हैं। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ देश ऐसे होते हैं बेटा जो कि लॉन्गिट्यूड में, जैसे अपने तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, जिसमें 70, 60, 60, 70, 70 का या इससे भी ज्यादा का डिफरेंस होता है, यानी जो उनके सबसे ईस्ट में होता है उसमें, और जो ईस्ट में होगा वो, यानी जो वेस्ट की तरफ होगा और जो ईस्ट की तरफ होगा, उस मेरेडियन में काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल रसिया, देयर आर एज मैनी एज 7 स्टैंडर्ड टाइम्स। रसिया में कितने हैं? सॉरी, 11। रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। कितने? 11। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। अर्थ कितने टाइम जोनों में डिवाइड है? 24। याद रखना, अर्थ कितने टाइम जोन्स में डिवाइड है? 24। ऑफ वन आर ईच, समझ में आ गया? जिनमें से हर एक का कितना है? एक आर है। यानी ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो हर जो क्या है जोन में कितने हैं? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि बेटा जब अर्थ 24 टाइम जोनों में डिवाइड है, इसका मतलब कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, और 24 टाइम जोनों में डिवाइड है, इसका मतलब है वन आर ईच हो गया। तो वन आर ईच हुआ है तो 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना लगाता है? 4 मिनट, ठीक है। और 15 डिग्री में कितना लगाएगा? 60 मिनट। तो इसका मतलब हर टाइम जोन में कितने हैं? 15 लॉन्गिट्यूड हैं, 15, ठीक है बच्चे। तो ये हमने जाना कि बेटा लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम डिसाइड होता है। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। स्टैंडर्ड जो मेरेडियन है, जिसको 0 डिग्री या प्राइम मेरेडियन कहते हैं, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इंडिया में 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरेडियन है जो हमारे यहाँ पर टाइम डिसाइड करती है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये सारी की सारी चीजों को हमने जाना है। यदि बच्चे इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप का भी लिंक है। टेलीग्राम में ये PDF ऐसे की ऐसी अपलोड हो चुकी है। थैंक यू बच्चों।